आइए सिर्फ आधे घंटे में बिल्कुल हलवाई जैसा हलवा बना के रेडी करते हैं घर पर। आप चाहें तो इस मेथड से आप 10 से 15 किलो भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुनमुन की रसोई। आज हम मुनमुन की रसोई में बनाने जा रहे हैं, मैं आपसे बहुत ही टेस्टी और अच्छी लगने वाली रेसिपी शेयर करूंगी जो कि फटाफट से बन जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 किलो गाजर और 2 चुकंदर को ले लिया है मैंने कद्दूकस कर लिया है। और आप देख सकते हैं गाजर को मैंने स्लाइस में कट किया है। तो चलिए आइए फटाफट से बना लेते हैं। कुकर चढ़ा दिया है क्योंकि कोई भी स्वीट डिश हो बिना घी के अधूरी सी लगती है। 2 चम्मच देसी घी का यूज किया है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा इसमें 2 इलायची के छिलके डाल रहे हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद यहाँ पे जो गाजर कट किया है गाजर को डाल देंगे, मिक्स करेंगे। चुकंदर जो कद्दूकस किया हुआ है, आप चाहें तो चुकंदर को भी कट करके डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी इन्हेंस होगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। बस अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। 1 कटोरी चीनी डाल देंगे, मिक्स करेंगे। 1 लीटर दूध, तो थोड़ा सा दूध इसी में डाल देंगे हम। और बस फ्लेम को हम कर देंगे हाई टू लो मीडियम और 3 सीटी आने तक इसको कर लेंगे कुक। और ये देखिए 3 सीटी के बाद हम इसको निकाल लेंगे। कितने अच्छे से ये कुक हो गया है गाइस, आपको दिख सकता है। ये है मैंने मैशर, मैशर की हेल्प से हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे। मैशर से मैश करने से ये बिल्कुल इसका टेक्सचर जैसे कद्दूकस किया हुआ हलवा लगता है सेम वैसे ही लगेगा। बनाने में फटाफट से बन जाता है, आप कोई भी काम करते रहिए। एक तरफ इसको चढ़ा दीजिए, फटाफट से हो जाता है और ये बनाना भी बहुत आसान है और इसका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट जैसे हलवे जैसा आता है। और आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना प्यारा रेड कलर आया हुआ है। और ये देखिए कितने अच्छे से ये मैश हो गया है। बस 2 मिनट में अच्छे से मैश हो जाता है गैस, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब तक मैं यहाँ पे मैश कर रही थी तब तक मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। और ये देखिए जब भी डालिएगा तो गैस की फ्लेम को धीमा करके ही डालिएगा। अभी मैंने गैस की फ्लेम को तेज कर दिया है कि अच्छे से कुक हो जाए। जिसका पानी है इसे हमें सुखा लेना है अच्छे से पहले। आप जब इसको बनाएंगे तो आपको भी विश्वास नहीं होगा कि चुकंदर डालने से इसका टेस्ट कितना इन्हेंस हो गया और ये और भी टेस्टी लगने लगेगा। पानी लमसम सूख चुका है इसका, 1 किलो दूध जो हम रखे थे उसको डाल देंगे। और आज मैं सिर्फ इसमें दूध का ही यूज़ कर रही हूँ, दूध से ही पकाएंगे इसको, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए जैसे ही ये आधा कुक हो जाएगा इसमें मैंने काजू बादाम कट किया हुआ है उसको डाल देंगे। इसी में कुक होने देंगे, आप चाहें तो नट्स डालें, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तक हम कुक कर लेंगे। और ये देखिए 10 मिनट में ये अच्छे से सूख गया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये कोई भी देख के ये नहीं कह सकता है कि ये हलवा आपने कुकर में कुक किया था, बिल्कुल मैशी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। जैसे हम लोग कद्दूकस करते हैं बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और गाइस इसका टेक्सचर का टेस्ट बहुत औसम आता है और आप टेक्सचर तो इसका देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ये। और सिर्फ मैंने आज इसको दूध से बनाया हुआ है, कोई खोए का मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया है। खोया डालना चाहें तो डाल सकते हैं और सोक करने देंगे जब तक इसका पानी अच्छे से सूख नहीं जाता। और ये देखिए पानी इसका अच्छे से सूख गया है, बस गैस के फ्लेम को हम कर देंगे बंद। इस वक्त डाल देंगे इसमें इलायची, इलायची से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है गाइस, आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर इसका आया हुआ है और कितना प्यारा कलर भी आया हुआ है। तो चलिए आइए इसको कर लेते हैं सर्व। कुछ गार्निशिंग कर देते हैं काजू से, ऐसे बादाम से। ये हमारा बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग सा हलवा बन के रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।